मेरा नाम भगत सिंह बिष्ट है। इस जगह पे हम करीबन 2009 से हैं। हमारे यहाँ पर जैसे मेन कोर्स में राड़ा चिकन को बहुत पसंद करते हैं, मटन रोगों जो से हमारा काफी अच्छा मटन यूज करते हैं जो काफी नरम होता है, बिल्कुल ठीक है ना जी। उसके अलावा हमारा चिकन के अंदर मेन कोर्स में मद्रासी चिकन भी बड़ा फेमस है, बटर चिकन है जी, कढ़ाई चिकन है जी। अगर हम स्नैक्स की बात करें, अफगानी आपने बताई दिया है, उसके अलावा पेशावरी चिकन है जो एक अलग तरीके से तंदूर में वो भी रोस्ट करके बनता है। उसके अलावा हमारे पास फिश के आइटम्स है, जैसे फिश टिक्का है, फिश फ्राई है, ये सब चीजें हैं। बाकी ऑलमोस्ट सब आइटम होती हैं, लेकिन ये जो हमारी मोस्ट डिमांडिंग आइटम जो हॉट सेलिंग आइटम, बिल्कुल। तो लो जी दोस्तों, आज का डिनर ना बिल्कुल सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि मैं आया हूँ चंडीगढ़ में सेक्टर 40D में। कहाँ पे आया हूँ दोस्तों? मैं आया हूँ भगत स्नैक्स एंड फूड पे। और इनके जो आइटम्स है ना, फूड आइटम्स, वेज और नॉन वेज, वो बड़े ही लाजवाब बनाते हैं। उसका जो टेस्ट है ना दोस्तों, आज भी मेरी ज़ुबान पे। मैं पहले चंडीगढ़ में ना काफ़ी टाइम पहले ना रूम लेके यहाँ पे रेंट पे रहता था और यहाँ से ना ऑर्डर मंगवाता था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना यहाँ पे चला जाए और इनकी किचन में फूड प्रिपरेशन देखी जाए और उसको वापस एक बार जो है ना टेस्ट करके देखा जाए कैसा है। ये 2005 की बात है जब मुझे इस लाइन के बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मैंने अपना एक काम, मतलब कि जो हम वाइन शॉप के ऊपर देखते हैं ना, जिन्हें हम पहले हाथा कहते थे, आजकल टैवर्न बोलते हैं, बिल्कुल वो मैंने मतलब एक स्टार्टअप के तौर पे शुरू किया था। अच्छा। 2005 से लेकर 2010 तक मैंने वो चलाया। उसी बीच मैंने वहीं से अपने फूड की होम डिलीवरी शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारा फूड की क्वालिटी और टेस्ट बड़ा अच्छा मानते थे, तो मैंने वहाँ से अपना होम डिलीवरी शुरू कर दी थी अपने टेवरन से ही। उसके बाद 2009 में मैंने सोचा कि अपना एक अलग से आउटलेट खोला जाए। तब से मैं मतलब 2009 से फिर मैं यहाँ आ गया और 2010 में मैंने वो टेवरन को वाला काम छोड़कर इसको फुल फ्लैज मतलब कर दिया शुरू, और आज मतलब लगभग 12 साल हो गए इसी जगह पर। क्या बात है। और स्वाद भी आप डिलीवर कर रहे हो तभी 12 साल से यहाँ पे, बिल्कुल है ना। अभी हमारा चंडीगढ़ और खासकर मतलब पंचकुला तो नहीं हम कर पाते हैं, क्योंकि दूर पड़ता है, और मोहाली का जो नजदीक का एरिया है वो सब कवर करते हैं। तो ये मोहाली चंडीगढ़ पूरा कवर करते हैं जी। और क्या टाइमिंग्स वगैरह है कुछ? सुबह हमारा 11:30 से शुरू हो जाता है और 4:00 तक हम करते हैं, उसके बाद हम फिर 6:30 से शुरू करते हैं डिलीवरी को। बीच में हमारा चलता रहता है ऑर्डर, लेकिन तंदूर के कुछ आइटम्स हमारी बंद हो जाती है, जैसे रोटी नान वगैरह, वो हम फिर 6:30 से शुरू कर देते हैं और रात को मतलब 10:30-11:00 तक हम ये चलता है। तो ये जोमेटो और स्विगी दोनों पे? नहीं, हमारा सिर्फ अभी जोमेटो के साथ ही है। जोमेटो पे है जी। साथ में हम आउटडोर कैटरिंग भी करते हैं, कोई घर में छोटा फंक्शन या कोई शादी के फंक्शन होते हैं वो भी सारे हम मतलब आउटडोर कैटरिंग भी कर लेते हैं। तो सर हमें क्या रिकमेंड करेंगे? मैं आपके लिए वही जो हमारा एक अलग से आइटम है मद्रासी चिकन, साथ में आपको एक पेशावरी तंदूर में जो बनता है पेशावरी चिकन जी, वो उसको हम करेंगे, और साथ में मैं आपको गार्लिक नान का ऑप्शन, बिल्कुल ग्रेवी, क्योंकि हम ग्रेवी यूज करेंगे जी, तो है ना, गार्लिक नान के साथ मद्रासी चिकन खाने का टेस्ट अलग ही आता है। हाँ, और एक मैं सर स्टफ अफगानी जरूर लूंगा जी, मुझे वो खाना जरूरी है। नहीं, वो भी हमारा काफी पसंद करते हैं, उसके अंदर चिकन कीमा की स्टफिंग होती है, कीमा की स्टफिंग, कीमा काजू बादाम, कई लोग उसमें मतलब एग भुर्जी या कोई न्यूट्री डालते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ चिकन कीमा और काजू की स्टफिंग होती है उसमें। अच्छा, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों किचन में चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं और कैसा है स्वाद। आइए, ये हमारी एक अलग से स्पेशल रहती है जी, मद्रासी चिकन है ना जी। ये क्या, सबसे पहले इसमें गार्लिक डाला गया है। ये हमारे यहाँ की एक अलग आइटम है जो शायद ही कहीं और इसी फ्लेवर में मिलती हो। अच्छा। हाँ जी, ये हमारी जब से हमने काम शुरू किया अपना 10 सालों से, ये हमारा एक फेमस डिश में आती है। हाँ जी, काफ़ी लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। बिल्कुल हमारा जैसे मद्रासी चिकन है, राड़ा चिकन है, स्नैक्स के अंदर अफगानी चिकन है, पेशावरी चिकन है, जो कि अपने आप में एक यूनिक आइटम्स हैं। ये इसमें हमने डाले ओनियन ग्रेवी, प्याज की ग्रेवी जैसे कहते हैं, ओनियन वाइट ग्रेवी होती है। अच्छा, तो हल्का सा ब्राउनिश मतलब हल्का वो फ्राई किया, बिल्कुल जी। इसको प्याज को हम फ्राई करके इसमें काजू मगज को ऐड करके इस ग्रेवी को बनाया जाता है, जिसे हम बेसिकली प्याज की ग्रेवी कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम टमाटो ग्रेवी को ऐड करेंगे, हल्का सा खट्टेपन के लिए, हल्का सा खट्टेपन के लिए। और इसके लिए हम हमेशा तंदूरी चिकन का यूज़ करते हैं, जो तंदूर में पहले किया था। तंदूरी चिकन जी। अब इसके लिए हमारे पास कुछ अलग से इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जो अलग से डालते हैं। ये अलग से मसाला है। अलग से मसाला, हाँ जी। इसमें क्या है, कोई रेसिपी आपकी? अलग से रेसिपी होती है जी। अच्छा। जिससे इसका एक यूनिक टेस्ट मिलता है, जिसे हम कहते हैं। इसकी जो खुशबू है ना, एक अलग सी खुशबू आने लगी है। बिल्कुल जी। और इसका जो कलर है वो भी ब्राउनिश डिफरेंट सही हो गया है जी। इसको हम टेस्ट के लिए हल्का सा
चिली पेस्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं, ग्रीन चिली, और इसमें थोड़ा सा हम अपने स्वाद के हिसाब से अपने मसालों का इस्तेमाल कर लेते हैं। नमक, ये देखिए दोस्तों हमारा जो मद्रासी चिकन है बेसिकली वो रेडी हो चुका, ऑलमोस्ट लगभग हो चुका है जी। थोड़ा सा इसे पकाने की देर है, ये हमने इसमें क्रीम डाली है। देख रहा हूँ जो इसकी ग्रेवी है ना, काफ़ी लटपटी सी जो है, तो वैसे ही बनी है बिल्कुल। इसका कलर, इसका टेस्ट बिल्कुल एक यूनिक टेस्ट होता है। हाफ चिकन की प्राइस 330 है, और 330 का हाफ है और 530 का फुल है। सर मैं 2013 से यहाँ से ऑर्डर ले रहता हूँ जी। 2013 से क्या रेगुलर मैं महीने में 10-12 बार कम से कम। क्या बात है, और क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? मेरे को यहाँ पे मद्रासी चिकन है और रारा चिकन बहुत पसंद है। इनका नान और चिकन ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक अलग ही स्वाद आता है ना नान के साथ ग्रेवी अल्टीमेट। क्या अल्टीमेट। अच्छा शर्मा जी एक बात बताइए ज़रा, आप भी यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं, क्या लेने आए हैं सर? हम यहाँ पे लेने आए हैं चिकन कढ़ाई और पनीर टिक्का। पनीर टिक्का और चिकन कढ़ाई रेगुलर आते रहते हैं यहाँ पे? रेगुलर रोज़ ही समझ लीजिए कि कुछ ऐसे जो हमारे कल्चर्ड जो डेज होते हैं उसको छोड़ के हम आते हैं रेगुलर, आते रहते हैं यहाँ पे। ये सर और वैल्यू फॉर मनी है, मतलब टेस्ट नॉर्मली क्या होता है जैसे कई जगह टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से जो वैल्यू फॉर मनी मेरे कहने का मतलब कि मतलब क्वांटिटी भी जो है वो जो है जेन्युइन क्वांटिटी, जेन्युइन क्वांटिटी एक बार ले तो मतलब कम से कम पेट तो भरे अच्छे से, टेस्ट तो अल्टीमेट है ही। इवन जब कभी हमारे गेस्ट भी आ जाते हैं, जैसे नॉर्मली मेरे दिल्ली से आते हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह आते हैं, तो वो स्पेशली बोलते हैं कि यार वो लास्ट टाइम जो आपने वो मद्रासी पनीर खिलवाया था ना, वो वहीं से लेके आना ये पनीर टिक्का। तो मतलब यहाँ ही नहीं, मतलब भगत वासपुर के मतलब हर जगह चर्चे हो रखे हैं, दिल्ली में भी, और मेरे ब्रदर धर्मशाला में रहते हैं, तो जब वो आते हैं तो नॉर्मली हम ऑर्डर यहीं से करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, अपना ऑर्डर लीजिए और टेस्ट इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। तो इसमें बेसिकली सौंफ, हाँ जी सौंफ और जिंजर है। हाँ जी, इसको हम मैरिनेट करेंगे। इसके बाद हमारा वाइट मसाला होता है क्रीम, हाँ जी क्रीम वाला, इसमें काजू क्रीम है, काजू क्रीम वगैरह सब कुछ। हाँ हाँ जी हाँ जी, बाकी इंडियन मसाला होता है इसमें, इंडियन फूड के जो भी है। किचन की है गरम मसाला, चिकन मसाला, हल्का नमक, कसूरी मेथी, बस। हाँ जी, उसके बाद ये तंदूर में जाएगा, उसके बाद हम लोग ये देखिए दोस्तों ये हमारा पेशावरी चिकन जो सीख में लगाया जा रहा है। तो ये हाफ प्लेट में कितने पीस आते हैं भैया? चार पीस होते हैं, चार पीस हाफ में और फुल में आठ। फुल में आठ। तो ये गया दोस्तों हमारा पेशावरी चिकन तंदूर के अंदर, इसको 10 से 15 मिनट तक पकाया जाएगा इसके अंदर, और साथ में हमारा कौन सा चिकन लगा हुआ है? मलाई। तो सर आप भी ऑर्डर लेने आए हो? जी बिल्कुल। क्या पैक करवाया सर आपने? पनीर, कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर, हाँ। और रेगुलर कस्टमर है यहाँ के? सिंस 11 लास्ट 11 इयर्स। क्या आप बात है दोस्तों, 11 साल से आप ले रहे हो यहाँ पे। एक बात तो देखा मैंने, भगत स्नैक्स इतना फेमस है ना कि मतलब एक बार जो कस्टमर आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्राइस भी जेन्युइन है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस, क्वांटिटी भी अकॉर्डिंगली, लाइक इफ यू परचेज फ्रॉम सम अदर रेस्टोरेंट पनीर माइट बी कॉस्टिंग अराउंड 150 और 200 है ना, बिल्कुल, बट इफ दे आर कॉस्टिंग 230 देन क्वांटिटी इज ऑल्सो लाइक 1.5 प्लेट अराउंड अबाउट है ना, सो क्वांटिटी क्वालिटी नंबर 1। मतलब इन्ना तो मैंने लगता यही नहीं खाते इतने जिन्ना असं खाने। चलिए दोस्तों ये लग गई हमारी सारी चीज़ें, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने मंगवाया है और आज के खाने में हमारे क्या है ना। चलिए आइए पास आइए ज़रा, ये देखिए सबसे पहले मैंने आपको स्नैक आइटम दिखाता हूँ, ये है हमारी पेशावरी चिकन, ये मैंने आपको बनते भी दिखाया क्या बढ़िया तरीके से ना इसमें मसाले और सारी चीज़ें डाल के, ओए हो ये देख रहे हो बनाया गया है, ये वो देखो क्या बात। तो ये है हमारी पेशावरी चिकन, करते हैं टेस्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ ये बगल में ये है स्प्रिंग रोल, क्योंकि स्नैक आइटम भी तो होने चाहिए ना और भी ज़्यादा, तभी तो खाने का मज़ा आएगा भाई डिनर में है ना। तो ये हमारे स्प्रिंग रोल्स, ऊपर से डाले हुए ये नूडल्स फ्राइड, और ये है हमारा मंचूरियन। वाओ, और देख रहे हो मंचूरियन क्या बढ़िया है दोस्तों, मज़ा आ रहा है मुझे तो देख के ना, इसकी ग्रेवी जो देखो क्या थिक बनाई हुई है ग्रेवी, और मज़ेदार भाई देखने में, टेक्सचर ही बहुत बढ़िया लग रहा है। ये है हमारा मद्रासी चिकन, ये हमने स्पेशल मद्रासी चिकन लिया है यहाँ का, और भैया बनाते हुए भी दिखा रहे थे ना क्या बढ़िया तरीके से इसमें मसाले डाले गए थे भाई, अनियन की ग्रेवी थी, टमाटो की ग्रेवी थी, और एक इसकी ना स्पेशल ग्रेवी भी थी इनकी,
तो वो चीज़ खैर सीक्रेट रेसिपी थी तो वो भी मैंने नहीं बताई, चलो अच्छी बात है। तो ये है और काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इसका, देख रहे हो क्या थिक ग्रेवी है, वाव, पूरा गर्मा गर्म धुएँ छोड़ते हुए। और एक स्पेशल मैंने ना मंगवाया है अभी अफ़गानी, तो वो लगा हुआ था तंदूर के अंदर, तो अफ़गानी अभी आ रहा है। साथ में इन्होंने दिए हमें लच्छे पराठे, ये देखिए, और साथ में बटर नान, ये बटर नान, ओए होए हो, गार्लिक भी लगा दोस्तों, ये गार्लिक बटर नान है, देख लो किस तरीके से छोटे छोटे चंक्स लगे हैं गार्लिक के। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ इनका मंचूरियन, ओए होए, ये देखो मंचूरियन, चेक करो, चेकआउट करो ज़रा, ये आ गया दोस्तों पूरा का पूरा, ना मैं एक ही बाइट में इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा मज़ेदार, वाह करूँ है, है करूँ, बिल्कुल सॉफ्ट, जो साइज था ना वो काफ़ी बड़ा था, आपने देखा भी किस तरीके से पूरी बाइट ली मैंने, काफ़ी सॉफ्ट है अंदर से, मसालेदार चटपटा, और जो मेन फ्लेवर जो आ रहा है ना इसके अंदर वो आ रहा है गार्लिक का, क्योंकि सॉस बनाते हुए ना भर भर के गार्लिक डाली हुई थी, चॉप्ड गार्लिक, वो बहुत बढ़िया फ्लेवर, वाओ मज़ेदार। अब ट्राई करते हैं हम स्प्रिंग रोल, ये देखिए आप स्प्रिंग रोल दोस्तों, ना मैंने बहुत जगह खाया है तो उसका ना अलग अलग टेक्सचर हर जगह हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर इसकी स्टफिंग की हुई है, आपको कैबेज वगैरह, अनियंस और इन सब चीज़ों की, देख रहे हो शिमला मिर्च, तो है भी ये क्रंची, ऊपर से इसकी आउटर जो क्रस्ट है ना वो काफ़ी क्रंची है, वाओ, तो इसको देखते हैं बाइट लेके ना कैसा है। आउटर क्रस्ट क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, और जो स्टफिंग है ना मसालों की, ये देखो, देख रहे हो, सिर्फ पत्ता गोभी नहीं है इसमें, गाजर, शिमला मिर्च, अनियन और हर तरीके की इसमें स्टफिंग की हुई है, बहुत बढ़िया। ये दोनों स्नैक जो आमतौर पर हर बंदा ना खाना पसंद करता है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं दोस्तों, लाजवाब। अब आते हैं दोस्तों अपने स्पेशल पिछावरी चिकन पे, ये हमने स्पेशल बनाया था, मेन्यू में से देख के ना स्पेशली बनवाया था, ताकि आप लोगों को अलग से आइटम मिले देखने को भी, और हमें भी कुछ खाने को अलग सा मिले, है ना, तो अच्छा है, बहुत अच्छी इन्होंने मेन्यू जो इनका है ना वो काफ़ी वर्सटाइल है, और ये चीज़ें हमने देख ढूंढ के निकाली। तो ये देखिए चिकन, छोटा चिकन यूज़ किया है, सॉफ्टली कुक हुआ होगा ऑब्वियसली बात है, और जो ये चिकन है ना दोस्तों काफ़ी जूसी लग रहा है, ऐसा नहीं कि ड्राई ड्राई सा हो, काफ़ी जूसी है, और जिसके ऊपर मसाले लगे हो ना, ओए होए होए क्या कहना, ये देख भी सकते हो आप जिस तरीके से इसके ऊपर सौंफ वगैरह सब कुछ लगी हुई है, ये देखो मैं इसको ना तोड़ के दिखाता हूँ कि कैसा, ओह हो देख रहे हो चिकन कैसे सॉफ्टली कुक हुआ है, मज़ेदार। तो चलिए इसका एक बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसा है ये। इसकी ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही थी कि भाई कैसा होगा, ये आइए बाइट लेते हैं। तंदूर में पका तो स्मोकीनेस है, प्लस जो मसाले लगे हुए ना बिल्कुल क्रीमी से हल्के हल्के से मसाले हैं, और जो टेस्ट है फ्लेवर है बहुत बढ़िया, और देख रहे हो कितना अंदर से जूसी है, बिल्कुल अच्छे से मैंने जैसी बाइट ली ना फट से ये बाइट पूरी, ये देखो बहुत बढ़िया दोस्तों, वाह मज़ा आ गया। आज ना प्रशांत को मैंने स्पेशली बोला था कि चल यार आज भगत चिकन पे चलते हैं, भगत स्नैक्स पे वहाँ चलते हैं और उनके चिकन आइटम्स ट्राई करते हैं, क्योंकि भाई साहब इनकी जो आइटम्स है ना वो काफ़ी फेमस है चंडीगढ़ के अंदर, और मेन खास बात क्या है ना दोस्तों, ये लोग केटरिंग करते हैं, तो जिस पार्टी में, जिस जगह भी, शादी में, किसी भी फंक्शन में अगर केटरिंग हो रही है इनकी तरफ से तो भाई टेस्ट तो दे ही दे होंगे, है ना। तो इसको अलग करते हैं। अब आते हैं दोस्तों ये जो हमारा, वाह ये है स्टार ऑफ द डे, ये है हमारा मद्रासी चिकन, देख लो क्या बढ़िया, ओहो क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, इसके अंदर से जो धुएँ निकल रहे हैं ना उसमें से क्या खुशबू आ रही है, मज़ेदार मसालेदार खुशबू है, बिल्कुल एक हटके जो फ्लेवर होता है ना आई गेस वही होने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने मसाला डाला था ना अलग से उसकी ही पूरा उसको वही उसी का जादू है सारा का सारा। ये निकालते हैं अपनी टंगड़ी और इसमें डालते हैं, ओए होए होए ये ग्रेवी लेते हैं ना, असली मज़ा जो है ना वो चिकन के साथ ग्रेवी का ही आने वाला है, और साथ में जो नान है ना
ओए बटर नान वो भी हैं, ग्रेवी लेते हैं। ओके गर्मा गर्म है दोस्तों तो इसको टेस्ट करते हैं। ओह क्या खुशबू है भाई, ले लो बाइट ले लो, हैं क्या कहते हैं। अच्छा दोस्तों आज के बाद ये चिकन मेरा फेवरेट होने वाला है। इसका जो फ्लेवर है ना, गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है और हल्का सा खट्टा मीठा हर तरीके का फ्लेवर। वाह ग्रेवी बड़ी पसंद है यार मुझे। और आई एम श्योर जो लोग चिकन खाना पसंद करते हैं ना उनको ये मद्रासी चिकन बहुत पसंद आने वाला है। एक बाइट लेते हैं चिकन का, देख गरम है ना तो थोड़ा सा तो फूकना बनता है ना है। चिकन बिल्कुल सॉफ्टली कुक है और ये ग्रेवी है उसको बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। मस्त ग्रेवी है दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ पे आते हैं तो, मद्रासी चिकन है ना। और एक बात बताता हूँ आपको, खैर आप यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे सिटिंग नहीं है, ये स्पेशली हमने अपने लिए सिटिंग एक छोटी सी बनवा ली थी। यहाँ पे टेक अवे है प्लस ऑनलाइन ऑर्डर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कभी भी आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है बैठने की, क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी हुई यहाँ पे सिटिंग बैठने की ना, मगर टेक अवे आप आराम से ले जा सकते हैं यहाँ से, या फिर घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर्स और डिटेल दी हुई हैं। ये दोस्तों हमने स्पेशली मंगवाया था क्योंकि ना अगर भगत स्नैक्स आ रहे हैं ना आप तो ये खाए भी ना मत जाना आप। ये है हमारा अफगानी स्टफ्ड अफगानी चिकन, देख रहे हो क्या बढ़िया बढ़िया लेग पीस है और साथ में एक और पीस है। और इसकी खास बात क्या होती है ना, स्टफ़ मतलब कि इसके अंदर पूरा कीमा और काजू भरा जाता है चिकन का। आप देख रहे हो यहाँ से स्टफिंग की हुई, ओह गर्मा गर्म धुएँ छोड़ते हुआ तंदूरी, मतलब तंदूर में पक के भी आया है। वाह भैया ऊपर का जो पूरा लेयर था वो चिकन था और अंदर देखो ये स्टफिंग की हुई है। तो दो फ्लेवर मिल रहे हैं इसमें दोस्तों, एक तो आपको चिकन का तो फ्लेवर है क्रीम का ऊपर से लगा हुआ वो तो मिल ही रहा है, मगर ये देख रहे हो अंदर से स्टफिंग, ये हमारे चिकन की कीमा और साथ ही साथ इसमें काजू के चंक्स भी डले हुए हैं। एक चीज़ मुझे खास बात क्या लगी दोस्तों, ये मैंने इतने सारे चिकन ट्राई किए तीन तरीके का, सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो सारे जो चिकन है ना हमारे बिल्कुल सॉफ्टली कुक है और अंदर से पूरे जूसेस भरे हुए हैं उसके अंदर, जिस तरीके से आप देख भी सकते हो ना, ये ड्राई नहीं है बिल्कुल भी, फुल ऑन जूस भरा हुआ है इसके अंदर और मस्त स्वाद में बहुत बढ़िया। स्वाद में ये सर्व किया इन्होंने सैलेड जो कि स्वीट सैलेड है, स्नैक आइटम खाने का मज़ा ही दोस्तों सैलेड के साथ आता है। जैसे आप ये ड्राई में लेते हो ना जब भी कोई आइटम, सैलेड ज़रूर ट्राई करना उसके साथ अलग ही मज़ा आएगा उसका। ओए होए दोस्तों बड़ा मज़ा आया खा के, ये सारा खाना ना मैंने और प्रशांत ने मिलके ख़त्म कर दिया ऐसा। अब जो हमारा पेट है ना बिल्कुल फुल हो चुका है और जो हमारा मन है ना वो भी पूरा भर चुका है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। आप भी यहाँ पे आइए सेक्टर 40D चंडीगढ़, कहाँ पे भगत स्नैक्स एंड फूड पे, और यहाँ पे ऑर्डर करिए दोस्तों। अलग अलग आइटम हमने ही मंगवाए आपको दिखाया, बड़ा लाजवाब था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं क्लोज करते हैं इस वीडियो को, आपसे मिलते हैं किसी और जगह पे नई वीडियो में नए स्वाद के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों अभी इजाज़त दीजिए हमें, फिर मिलते हैं दोबारा, बाय बाय।